धन्यवाद 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 सबको राम राम। मंच पर विराजमान माननीय अशोक जी गहलोत, राजस्थान मुख्यमंत्री, सचिन जी पायलट उप मुख्यमंत्री एवं समस्त समय के अभाव के कारण समस्त विराजमान मंचासीन अतिथिगण, मंत्रीगण, पिता तुल्य बुजुर्गण, इस विशाल सभा में पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधि, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति हो या सरपंच हो, वार्ड पंच हो, सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गण, युवा साथी, पूरे बाड़मेर जैसलमेर जिले से पधारे हुए, कुछ तो जालौर जिले से भी पधारे हुए हैं, कुछ जोधपुर जिले से भी पधारे हुए हैं, कुछ बीकानेर से भी हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस सभा में पधारे, सभा की शोभा बढ़ाई। मैं कुछ लोकल जो विषय हैं मैं सामने रखना चाहता हूं आपके, क्योंकि आज संजोग से कल्ला साहब भी यहां विराजमान हैं जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं, और हमेशा बाड़मेर जैसलमेर का सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है तो पेयजल की व्यवस्था होती है, पीने के पानी की व्यवस्था, हमारे लिए भी और हमारे पशुओं के लिए भी, हमारे गायों के लिए भी। गायों की चर्चा अभी हरीश जी ने करी है अपने चारा डिपो शिविर, तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अभी अधूरे योजनाएँ हैं, मुझे विश्वास है कि सरकार उन योजनाओं को पूरा करेगी। जिस प्रकार अभी जनवरी फरवरी के महीने में आचार संहिता लगी, उसके पहले कई वर्षों से कुछ नरेगा कर्मियों की भर्ती ऐसी ठंडे अवस्था में पड़ी थी, वो मेरे पास आए, हम गए सचिन जी पायलट को मिलने के लिए, सचिन जी ने फाइल पहुंचाई अशोक जी के पास, और 10,000 के लगभग, 10,000 से ऊपर लगभग पूरे राजस्थान में वो प्रभावित हुए, उनको रोज़गार मिला है, स्थायी रोज़गार मिला है, और 10,000 तो एक महीने में हुआ है, और पिछले 5 वर्षों में जो 2 करोड़ वर्ष में जो नौकरियां मिलने वाली थी, मुझे पता नहीं कि 2 करोड़ में से कितनी नौकरियां मिली है हर वर्ष जिसकी घोषणा दी सरकार की। वैसे हर चुनाव में जो घोषणा पत्र होता है, जैसे आज हम घोषणा पत्र लेकर आते हैं आपके बीच में, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र लेते आते हैं, राहुल जी ने जो घोषणा करी है न्याय योजना की, अन्य योजना की, उस घोषणा पत्र के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, और घोषणा पत्र का क्रियान्वयन हो, घोषणाओं की क्रियान्वयन हो, वो योजनाएं लागू हो, यही हमारा प्रयास रहता है पिछले 5 वर्षों में, आगे वाले 5 वर्षों में। और जब पुनः आपके बीच आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वो रिपोर्ट कार्ड बनता है, जैसे मास्टर रिपोर्ट कार्ड बनाता है, आप भी रिपोर्ट कार्ड बनाते हो कि जो घोषणा पत्र था 2019 में, आपने, आपकी सरकार ने घोषणा पत्र के आधार पर कितने कार्य करे, ये रिपोर्ट कार्ड बनता है, उसके आधार पर जनता अपना निर्णय, अपना फैसला करती है कि घोषणा करी थी, काम करा, काम नहीं करा। समान तौर पर यही चुनाव होते हैं, चुनाव की प्रक्रिया यही है, राजनीतिक, भारत की राजनीतिक प्रक्रिया यही रही है कि जो हम घोषणा करते हैं, जो आपके सामने जो योजना पेश करते हैं, उसकी आप समीक्षा करके आप निर्णय लेते हैं, पक्ष में मौका मिलता है, जो घोषणा क्रियान्वयन हो, कैसी हो, उसकी आपको खुशी हो तो आप दोबारा मौका देते हैं, खुशी नहीं है, घोषणा नहीं, जो घोषणा हुई क्रियान्वयन नहीं हुआ तो आप उसको मार्क कर देते हैं कि नहीं हुआ, और नेगेटिव मार्क होता है, फेल हो जाते हैं। परंतु जो घोषणा पत्र में 2014 में चाहे 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख खाते में, अन्य ऐसी जो घोषणा हुई थी, उस घोषणा पत्र के आधार पर, उस घोषणाओं के आधार पर आज चुनाव नहीं लड़े जा रहे, क्योंकि जो घोषणा करी थी 2014 में, जिसके कारण एक भारत में एक लहर बनी थी, वो हम जानते हैं लहर बनी थी, लोगों की उम्मीद जगी थी, युवाओं की उम्मीद जगी थी कि हमें रोज़गार मिलेगा, गरीब की उम्मीद जगी थी कि मेरे खाते में 15 लाख ऐसी पॉकेट में आ जाएंगे, वो उम्मीद जगी थी लोगों की, परंतु किसी के खाते में ना तो 15 लाख आए, ना ये 2 करोड़ नौकरियां आई। और आज का चुनाव घोषणाओं पर नहीं है, घोषणा पत्र पर नहीं है, आज का चुनाव लोगों को भयभीत करके, राष्ट्र सुरक्षा से जोड़कर, वो हमारा है, वो देशद्रोही है,
देश को बांटकर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और जो भारत की संस्कृति के विपरीत है, भारत की जो परंपरा है उसके विपरीत है। ये चुनाव समाज को तोड़ने का चुनाव है, जोड़ने का चुनाव नहीं है। जब श्री राहुल गांधी जी के साथ चर्चा हुई थी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की, तब मैं राहुल गांधी से मिले, फिर अशोक जी से भी मिलना हुआ, अविनाश जी के घर पर भोजन में रखा गया जिसमें हरीश जी और हम साथ में थे। आम तौर पर चर्चाओं में यही था कि कांग्रेस परिवार में सबके लिए जगह है, ये मूल बात हुई थी उस समय। राहुल गांधी जी के साथ भी यही चर्चा हुई थी, बात हुई थी, और अविनाश जी के घर पर हरीश जी के साथ यही चर्चा हुई थी, सबकी जगह है कांग्रेस परिवार में, सबके लिए जगह है। कांग्रेस एक बड़ा वृक्ष है जिसकी छाया में सब आगे बढ़ सकते हैं। परंतु आज का जो देश का वातावरण है, जो भेदभाव का वातावरण है, भय की राजनीति का वातावरण है, समाज में तोड़ने का जो वातावरण है, उस वातावरण को रोकने के लिए 29 तारीख को बाड़मेर, जैसलमेर, राजस्थान के कई भाग में 29 तारीख को वोट पड़ रहे हैं। समाज को जोड़ने के लिए वोट पड़ रहे हैं, देश को एक करने के लिए वोट पड़ रहे हैं, देश के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए वोट पड़ रहे हैं कि वापस जो भारत की परंपरा रही है, जिस प्रकार हम ढाणी में, गांव में एक साथ रहते हैं, आपस में अपना त्यौहार मनाते हैं, आपस में अपने बहन बेटे को गोद में भी देते हैं, उसमें गोद देने में कोई धर्म का रुकावट नहीं है, ना कोई वर्ग का रुकावट है, ना कोई जाति का रुकावट है। गोद देने में सिर्फ अपनी आत्मीयता है, परंपरा ऐसी रही है, वही परंपरा, वही आत्मीयता हमें आगे रखनी है। उसी आधार पर हमें चुनाव लड़ना है, उसी आधार पर राहुल गांधी जी की सरकार बनानी है। इसलिए मैं आपके बीच में आया हूँ, आपका मत, आपका समर्थन मांगने के लिए। मुझे विश्वास है, धन्यवाद, मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे स्वीकार करा था, उसी प्रकार बाड़मेर, जैसलमेर के कांग्रेस परिवार ने मुझे स्वीकार करा, उसी आत्मीयता से स्वीकार करा, उसी प्रेम से, स्नेह से स्वीकार करा। और जब से मैं आया हूँ तब से ये स्नेह और प्रेम बढ़ा ही है, परिवार की संख्या बढ़ी ही है, और मुझे विश्वास है कि इस बढ़ते परिवार की संख्या, उसका परिणाम 29 अप्रैल को परिणाम अच्छा मिलेगा, और आने वाली सरकार में बाड़मेर की भी भागीदारी होगी, मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।